नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों पे। खबर कन्नौज से है, जहां नगर पंचायत तालग्राम में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत यादव और चेयरमैन पद के प्रत्याशी सलमान खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की 20 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाली निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक का आयोजन आज नगर पंचायत तालिग्राम में किया गया, जिसमें लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम जो उनके द्वारा जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसी के तहत जानकारी दी जा रही है और ये अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभासदों को चेयरमैन प्रत्याशी को भारी बहुमत। वहीं अगली खबर देवरिया के रुद्रपुर से है, जहां दूधेश्वर नाथ वार्ड के सभासद मुन्ना यादव के द्वारा वार्ड में हुए विकास कार्यों की लोग तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि वार्ड में नाली, रोड, खड़ंजा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, विधवा पेंशन सहित विभिन्न सरकार द्वारा दिए जा रहे योजनाओं का लाभ वार्ड के लोगों को बखूबी दिलाने का प्रयास किया गया है। नगर पंचायत के दूधेश्वरनाथ वार्ड के मंझरिया टोला पर शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जा रहे गरीबों को आवास को दिलाने में सभासद मुन्ना यादव ने भी सभी का ख्याल रखते हुए हर गरीब जरूरतमंदों को निस्वार्थ भाव से मदद कर आवास दिलाने का काम किया है। इस समय रुद्रपुर नगर पंचायत के दूधेश्वरनाथ वार्ड के मंझरिया टोले पर हम है और यहाँ का कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है और आवास मिला भी है तो उसमें पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या सच्चाई है? यहाँ जो है कि केकेडी न्यूज़ से राम प्रताप पांडे मैं संवाददाता आया हुआ हूँ और लोगों से बात करते कि क्या सच्चाई है, किस तरह की वीडियो वायरल हुई है जिसको लेकर के मैं आपको बात कराता हूँ। क्या नाम आपका है? तो क्या मामला है, कैसा वीडियो वायरल हो रहा है और किस तरह का आवास आपको मिला है? तो पैसे दिया है कि नहीं दिए? क्या मामला? आवास आपको मिला है? आपके सभासद का नाम क्या है? मुन्ना यादव। आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत? तो जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई है विपक्ष पार्टी वाले ये औरतों को बहका के सब नाटक कर रहे हैं, ये गलत है सारा चीज, ये सब गलत। फिर हम आपसे बात कराते हैं, इसी वार्ड के और लोग भी है, इनसे बात कराते हैं। क्या नाम आपका है? तो आपके नाम से आवास मिला है? तो आवास मिला है तो भरपूर पैसा मिल गया, मकान बन के तैयार हो गया है। तो वीडियो वायरल हो रहा है किस तरह का कि पैसे नहीं दिया गया, आप ही के टोले के कुछ लोगों ने वीडियो में बोला है। अफवाह है, पैसा किसी को आपने नहीं दिया है? नहीं, खाली हमने कहा। क्या नाम है आपका? आपको भी प्रधानमंत्री आवास मिला है? किस वार्ड की रहने वाली है? तो इस आवास में जो आपको मिला इसमें पैसे भी सभासद आपके आपसे लिए हैं? नहीं। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पैसे दे करके आवास मिला है, तो सब अफवाह है। कैसे आप लोगों ने बोल दिया मोबाइल पर कि पैसा दिया गया है? नाम आपका है? कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? तो आपको प्रधानमंत्री आवास मिला था का? तो इसमें कितना रुपया आपने दिया था सभासद को? 0.0। पैसा नहीं लगा था? नहीं। आपने भी आवास पाया है? हा? कितना पैसा दे करके आवास मिला है? 1 रुपया नहीं दिए? पैसा दें। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? आपके सभासद कौन है? मुन्ना यादव। क्या नाम आपका है? मुन्ना यादव, सभासद हूँ वर्तमान में दूधेश्वरनाथ वार्ड का। आपके वार्ड से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास दे करके पैसे दिए गए, क्या सत्यता है? एकदम आरोप गलत है और जो ये आरोप लगा रहा है आप जनता के बीच में जाकर जनता से पूछिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब हम तो अपने मुंह सफाई देंगे तो लोग गलत मानेंगे, लेकिन जनता इसकी सफाई देगी। जनता जो अगर हमको दे दी होगी अगर रिश्वत तो जनता बताएगी। ठीक है, ये आरोप निराधार है आपके ऊपर? हाँ, एकदम निराधार है। जनता से पूछिए, जनता ही बता देगी। किसी के ऊपर आपका कोई शक नहीं है कि कोई आपके प्रतिद्वंदी कराया हो? नहीं नहीं, ये चुनाव है, चुनाव से खाना भी ठीक नहीं है। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा से है, जहां सुसनेर में भारत जोड़ो यात्रा के लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह व प्रिव्रत सिंह ने विश्राम गृह पर बैठक की,
जिसमें यात्रा की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को पूर्व मंत्री व विधायक जयवर्धन सिंह व प्रिव्रत सिंह, आगर विधायक विपिन वानखेड़े, जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने संबोधित किया। आपको बता दें कि बैठक में जयवर्धन सिंह ने संबोधित कर बताया कि यात्रा 2 दिसंबर को जिले में प्रवेश करेगी। वहीं अगली खबर एटा से है, जहां पति पत्नी के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बता दें, गुस्से में पति ने पत्नी को काट लिया, जिससे पत्नी का चेहरा खून से लथपथ हो गया, जिसके बाद पीड़ित पत्नी ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर फरुखाबाद से है, जहां जीएसटी टीम ने आरआर ट्रेडर्स, आरपी इंटरप्राइजेस, अवधेश कुमार एंड सेंस का तंबाकू गोदामों पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि इन तीनों फर्मों में पोर्टर पर मिसमैच और पूर्व में पकड़ी गई तंबाकू की गाड़ियों के मिलान के बाद गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर गोदामों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। बता दें कि जीएसटी अधिकारी ने बताया कि यह सभी फर्म एक ही मालिक की है। मालिक के द्वारा जो प्रपत्र दिए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा है कि कायमगंज में टोबैको का निर्माण होता है, आप जानते ही हो, तो डेटा एनालिसिस पे पाया गया कि कुछ ईवे बिल और इनके 3B में, जीएसटीआर 3B में कुछ मिसमैच है। कुछ वाहन पूर्व में पकड़े गए हैं, उसके आधार पर कुछ एनालिसिस की गई है। इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि गोदाम में रखे माल का भौतिक सत्यापन जरूरी है, जिससे ये पता चले कि वास्तव में ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं या केवल 28% वाली खरीद कर रहे हैं और 28 की बिक्री कर रहे हैं। ये सारे मिसमैच जो दिख रहे थे जीएसटी पोर्टल पर, उसके वेरिफिकेशन के उद्देश्य से आज एक ही कैंपस में स्थित 3 फर्मों की जाँच पड़ताल की जा रही है, आरआर ट्रेडर्स, पीआर इंटरप्राइजेज। वहीं रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।